अध्याय 9 चैप्टर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स यानी व्यापारी राजा और तीर्थ यात्रियों के बारे में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है जगनी से। जगनी इंतजार कर रही है, उनके गांव में एक मेला लगने वाला है और वो वहां पर जब मेले में जाती हैं तो वो देखती हैं कि बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे बहुत बढ़िया बर्तन, बाल्टियां, रंग बिरंगे कपड़े और चाबी से चलने वाले टॉयज, खिलौने। ये सारी चीजें देखती हैं, बड़ी खुश होती हैं। लेकिन एक सवाल इनके दिमाग में है कि जो भी ये व्यापारी गण, यहाँ जो आप देख रहे हैं इस दुकानों के मालिक, वो व्यापारी गण जो है वो आते हैं और किसी ट्रक या किसी यातायात के साधन में अपना सामान लाते हैं और यहाँ बेचते हैं और फिर शाम को वो अपने घर चले जाते हैं या जहां भी उनको जाना होता चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा क्यों होता है, तो ये सवाल इनके दिमाग में है। हम कोशिश करेंगे कि इनकी प्रॉब्लम का हम सॉल्व सॉल्यूशन कर पाएं। अब होता यह है कि मैं आपको पुराने जमाने में ले जा रहा हूं, मैं 2000 के करीब आपको ले जा रहा हूं। मैंने आपको बताया था, ये इन बर्तन के बारे में बताया था, इसको हम कहते थे NBPW, ये है नॉर्थ नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब ये जो है लकड़ी, ये मिट्टी की बनाई हुई पॉटरी थी या कहें कि बर्तन थे, राइट। अब ये हमारे देश में कई जगह, सब कॉन्टिनेंट में कई जगह मिले, सब कॉन्टिनेंट नहीं मतलब हमारा पूरा देश नहीं, साथ में जितने भी पड़ोसी राज्य थे सबको मिला लीजिए, वहां पर कई जगह मिली। अब सवाल उठता है ये सब जगह कैसे पहुंच गई, कई जगह मिली तो ये व्यापारियों ने पहुंचाया होगा, क्योंकि ये वो लोग जहां ये चीज बनाई जाती है वहां से खरीदते हैं और जहां इनकी जरूरत होती है, जहां उनको बेचना होता है वहां वो पहुंच जाते हैं। मैं साउथ इंडिया में आपको बताना चाहूंगा कि सबसे फेमस था, अंग्रेजी में लिखते हैं, सोना यानी गोल्ड, राइट। लेकिन एक सोना और था इसमें, वो क्या सोना था, वो था ब्लैक गोल्ड। ये कहां से आया ब्लैक गोल्ड, क्या चीज है ये? एक्चुअली गोल्ड के अलावा एक और चीज थी बड़ी, जो बड़ी बड़ी फेमस थी साउथ इंडिया में, जो यहां के लोग ट्रेड करने के लिए या खरीदने के लिए या कहे अपने यहां आयात करने के लिए वो लिया करते थे, खरीदते थे यहां से, तो वो थे मसाले। मसाले मतलब स्पाइसेस। अब स्पाइसेस में क्या क्या आता है, स्पाइसेस में आपके जायफल, जावित्री, लौंग, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ और कलमी, तेजपत्ता और काली मिर्च। बस यही काली मिर्च ब्लैक गोल्ड है, यही काली मिर्च, पेपर और यही पेपर क्या है, ब्लैक गोल्ड है, ध्यान रहेगा। ये जो इतना फेमस था कि बहुत, हमने खास तौर पे यहां पर रोमन एम्पायर यानी कि मैं इटली की बात कर रहा हूं, यहां से आप देखिए लोग आते थे इतने लंबे रास्ते से, इतना लंबा रास्ता तय करते हुए इन सब चीजों को खरीदने, इन सब चीजों को लेने। हमें यहां पर ट्रेड कैसे पता चला कि वहां से होता था, यहां पर हमें हमारे पुडुकोट्टई तमिलनाडु में रोमन गोल्ड कॉइन मिले हैं, यानी रोम के बने हुए गोल्ड कॉइन ये हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स का मतलब होता है व्यापारी, जो सामान खरीदते बेचते हैं उससे मुनाफा कमाते हैं। तो ये जो ट्रेडर्स थे इन्होंने बहुत लंबे लंबे सी रूट, समुद्री रास्ते इन्होंने इजाद कर लिए थे या कहे डिस्कवर कर लिए थे, उनका आविष्कार तो नहीं कहूंगा, उनकी खोज कर ली थी। अब ये लोग या तो ऐसे आते थे, ये पोर्ट के आसपास आते थे ऐसे से करके, या फिर वो ऐसे आते थे कि वो इन मानसूनी हवाओं के साथ आ सकें, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अगर ये बोट मान लीजिए ऐसी थी तो बहुत सोफिस्टिकेटेड बोट तो होती नहीं थी ना, तो उस समय मरीन साइंस या नेविगेशन इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड था। तो ये आप मान लीजिए क्लॉथ है, इस पे हवा आती थी, उसके जरिए ये शिप या कहें नौका आगे बढ़ती थी। तो ये जो मानसूनी हवाएं हैं, क्योंकि मौसम जो है वही हमारा पूरे सबकॉन्टिनेंट का, खासतौर पे हिंदुस्तान का जो मौसम है वो मानसूनी मौसम है। आपको मैंने पहले बताया था जो मानसून मौसम है ये कहाँ से आया, मौसम शब्द से आया है। मौसम शब्द जो है ये अरब के जो लोग यहाँ आते थे उन्होंने इन हवाओं को मौसम हवाओं का या फिर कहे मौसम का नाम दिया, वहीं से ये मानसून बन के आया है। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते थे जो इन्होंने खोज लिए थे।
बहुत स्टर्डी शिप ये बनाया करते होंगे उस जमाने में, क्योंकि इतना लंबा रास्ता तय करना और इतनी मुश्किलात भरी यात्रा तय करना, ये स्टर्डी शिप या कहें स्ट्रॉन्ग शिप या कहें बिल्कुल पक्के शिप से ही हो सकती थी। अब जो मैं आपको साउथ इंडिया का एरिया बता रहा हूँ, साउथ इंडिया में ये तो तट तो बहुत लंबा है, हमारा जो पूरा सबकॉन्टिनेंट है उसमें तटीय इलाका बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर ज़मीन और समुद्र मिलता है उसे हम तटीय इलाका कह रहे हैं, ये बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। इसके अलावा अंदर की तरफ आ जाएं तो हिल्स भी है, पहाड़ भी है, प्लेट्यूज भी है, पठार भी है और रिवर भी है यानी कि नदियां भी हैं। इसमें एक कावेरी नदी है, कृष्णा कावेरी, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ये कावेरी जो नदी है इसका मैदान जहां पर ये आके ठहरती है या कहते हैं कि जहां जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप करती है, वो इलाका काफी फर्टाइल है, यहाँ के लोग काफी अमीर हो गए, काफी कहें कि चीफ और किंग यहाँ के, क्योंकि वो उस एरिया को कंट्रोल करते थे। अब हमको और हमारा जो संगम साहित्य है, मैंने आपको बताया था कि मदुरई में जो साउथ इंडिया के कवि थे या फिर कहें आर्टिस्ट लोग थे, वो लोग आके मिलते थे, अपनी कविताओं का आदान प्रदान करते थे, इसीलिए ये संगम साहित्य बना, क्योंकि इन सभी कविताओं का संकलन हुआ, कंपोजिशन हुआ। अब इनमें हमें एक शब्द मिलता है जिसका नाम है मुवेंदार। क्या नाम है? मुवेंदार। मुवेंदार का मतलब होता है तीन मुखिया, थ्री चीफ्स। अब ये तीन मुखिया थे कौन? चलिए मैं आपको बता देता हूं और आप यहां समझ जाएंगे कौन से थे ये। सी सी पी चोला चेरा पांड्या या चेरा चोला पांड्या, चोरा चेरा पांड्या, ये याद रखना आपको। कौन सा इलाका ये भी दिखा दिया मैंने आपको, तो फिर से वहीं ले जाता हूं। मुवेंदार का मतलब थ्री चीफ का मतलब तीन मुखिया। तीन मुखिया कौन से हो गए? चेला चोरा पांड्या, सीसीपी से याद रखिएगा। ओके, ये 2300 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, इस जमाने में ये सीसीपी या चेला चोरा पांड्या बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। और एक चीज बताऊं, जैसे मान लीजिए आप पांड्या को ले लीजिए, ये पांड्या का क्या था, जैसे इनकी राजधानी या कहें इनका एक सेंटर पॉइंट था जिसपे ये पूरे अंदर के इलाके पे राज करते थे, वो है मदुरई। और अगर आप, क्योंकि कोस्टल एरिया है, तटीय इलाका है, तो समुद्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कोरकाई जैसी जगह इनके पास या फिर कन्याकुमारी जैसी जगह इनके पास थी जहां से वो ये सत्ता चलाते थे। तो दो सेंटर पॉइंट थे जहां से सत्ता चलाई जाती थी। तो अगर सीसीपी को मिला दिया जाए तो चोला के पास दो, चेरा के पास दो, पांडे के पास दो, यानी कि कुल मिला के 6 ऐसे पॉइंट्स थे जहां से ये लोग अपना, अच्छा ये अलग अलग है, चेला चोरा पांडे का आपस में ऐसा कोई संबंध नहीं है, ये अलग अलग है। बस ये है कि हर एक, क्योंकि इनके पास सी भी है, लैंड भी है, तो एक यहां पर होता था और एक यहां पर होता। जैसे अगर मैं पांड्या का बताऊं तो पांड्या का जो राज होता था, अगर पांड्या की मैं बात करूं तो ये मदुरई यहां से होता था, तो मदुरई लिख देते हैं। और अगर मैं चोला की बात करूं तो उनका तटीय क्षेत्र कौन सा था जहां से वो राज करते थे, वो उसका नाम है पुहार, या क्या नाम है? कावेरीपट्टनम। ध्यान रहेगा, कावेरीपट्टनम या पुहार, इसको पुहार भी बोलते हैं। तो इस तरीके से दो पॉइंट से वो राज किया करते थे। बहुत सारे ऐसे पोएट्स हुए जिन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी इनके बारे में, क्योंकि ये लोग जब आते थे ना, जो चीफ थे यहाँ पर, कई ऐसे चीफ थे इन्हीं राजाओं के, कई चीफ थे, कई सरदार थे, जो इनको बहुत पैसा ऐसा या फिर प्रेशियस स्टोन, साथ में सोना, घोड़ा, एलिफेंट मतलब हाथी, रथ, चेरियट और बहुत अच्छा कपड़ा दिया करते थे। अब ये मैंने चोला चेरा पांड्या के बारे में बताया, कब थे, 2300 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। अब इसके 200 साल बाद यानी कि 2100 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, एक ऐसे एम्पायर का उदय हुआ जिसको हम कहते हैं सातवाहन। क्या कहेंगे? सातवाहनास। तो ये जो सातवाहन थे, ये ऐसे नहीं कोई सात होंगे या उनके वाहन होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत सारे राजा हुए, जिसमें सबसे फेमस जो राजा हुए उनका नाम है सतकर्णी। क्या नाम है? सतकर्णी। और इनकी माताजी का नाम था, इनकी मदर का नाम था गौतमी। इसलिए इनको कहते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। इनका पूरा नाम था गौतमी बालाश्री, इनकी माताजी का नाम था गौतमी बालाश्री। तो ये जो सातवाहन के रूलर थे,
मतलब यहां के जितने भी राजा हुए उनको कहा जाता था राजा या कहे लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ, लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, दक्षिण का मतलब होता है साउथ और पाथ का मतलब होता है रास्ता, वे कह दे रास्ता, पथ। तो साउथ में जाने का रास्ता यहीं से होके गुजरता था, तो यहां के जो राजा थे उनको कहा जाता था दक्षिणापथ, ध्यान रहेगा ना। ओके, अब हम आते हैं अपने एक और डिस्कशन पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमें ये सब जो जानकारी मिली है गौतमी बालाश्री की या फिर आप कहें सत्यकर्णी की या फिर इनको कहा जो जाता था, ये सब जानकारी हमें ये इनके इंस्क्रिप्शन से मिली है, ये जो इंस्क्रिप्शन है, राइट। अब हम आ रहे हैं सिल्क रूट पे। सिल्क रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है रास्ता। सिल्क रूट का मतलब क्या हुआ? क्या ये सिल्क से भरा होगा या क्या सिल्क से क्या लेना देना है? तो सिल्क से ये लेना देना ये है, पहले तो मैं आपको एक चित्र दिखाऊं तो आपके आपके दिमाग में बैठ जाए कि सिल्क मतलब होता क्या है। सिल्क मतलब होता है एक बड़ा ही चिकना, चमकीला, मस्त, औसम कपड़ा, सबसे महंगा कपड़ा। तो ये जो रिच है, ग्लॉसी है, ये बहुत चिकना चिकना, जिसे हम स्मूथ टेक्सचर कहते हैं, चमकता हुआ काफी, ऐसा जो फैब्रिक है जो बड़े बड़े घरों में या फिर कहें अमीरों में उस जमाने में काफी फेमस था, काफी चलन में था, इसको हम सिल्क कहते हैं। अब ये जो इसका तरीका है सिल्क को बनाने का, बड़ा ही बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें होता क्या है कि ये जो शहतूत के पत्ते हैं, शहतूत के पत्ते या और भी जगह है जहां पर ये कीड़े, शहतूत के कीड़े कहते हैं इनको, ये जो कीड़े हैं इन पत्तों को खाते हैं, इसलिए इनको यहीं पे इनका पालन किया जाता है। तो ये शहतूत के कीड़े हैं वो अपने आसपास एक ककून बना लेते हैं। ककून मतलब जैसे हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं ना, उसी तरह, या स्लीपिंग बैग, हम जैसे स्लीपिंग बैग हमारे पास होते हैं उसी तरीके से। अब ये जो ककून इन्होंने बना लिया ना, इसी से बनता है ये, इसको कहते हैं सिल्क वॉर्म। रेशम के कीड़ों को कहते हैं सिल्क वॉर्म। तो ये जो ककून बनाता है, इस ये जो ककून है यही आपका सिल्क है। और आप सोचिए एक कीड़ा कितना ककून बनाएगा, तो हमें सिल्क के लिए कितने सारे ककून चाहिए होंगे। तो ये एक इसीलिए कॉस्टली प्रोसीजर है इसको बनाना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग को तो बहुत बाद में पता चला, पूरे विश्व को तो बहुत बाद में पता चला, चाइना ने 7000 साल पहले ये सिल्क वॉर्म यानी रेशम के कीड़ों से सिल्क निकालना सीख लिया था, सिल्क बनाना सीख लिया था, मतलब रॉ सिल्क से एक्चुअल सिल्क इन्होंने बनाना सीख लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो ट्रेडर्स हैं चाइना से भी, चाइना में भी व्यापारी हैं, जब वो निकले बाहर और वो इधर उधर गए तो अपने साथ में ये सिल्क लेके गए, यही ये जो सिल्क है ना, ये सिल्क है, ये सिल्क या रेशम लेके गए। और जब ये रेशम पहुंचा कई जगह, जैसे यूरोप पहुंचा, रोम पहुंचा, तो इस जगह जब ये पहुंचा तब लोगों को पता चला कि अरे वाह, ये क्या चीज है। तो 2000 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी अमीर ज़ादे थे, खासतौर पर रोम की बात कर रहा हूं, इटली की बात कर रहा हूं, जितने भी रूलर्स या अमीर लोग थे वो इसी सिल्क को पहनना पसंद किया करते थे। और ये सिल्क बड़ा महंगा हुआ करता था, बहुत अच्छे दिखाई देते थे इसमें। तो यहां से चाइना से यहां तक की यात्रा केवल ऐसी नहीं हुई, बहुत सारे रास्ते लोगों ने अपनाए। और किसके लिए अपनाए? सिल्क या रेशम को बेचने के लिए, रेशम की खरीद फरोख्त करने के लिए। तो ये रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया, ये तमाम रास्ते जो है इन्हीं को हम सिल्क रूट कहते हैं। ध्यान रहेगा, रेशम का मार्ग यही रास्ता है। ओके, अब इसमें हुआ क्या करता था, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, हमारे कुशाणास का एग्जांपल देता हूं। कुशाणास, ये कुशाणास आपको याद होगा, कुशाणास के बारे में मैंने बात की थी। ये जो कुशाणास थे ये भी एक सिल्क रूट को कंट्रोल किया करते थे। अब जो मैं कंट्रोलिंग इनकी बता रहा हूँ, ये हर जगह हुआ करती थी, ठीक है, वहां के अलग अलग राजा थे, अलग अलग तरीके से कंट्रोल किया करते थे, लेकिन हम कुशाणास के बारे में जो बताएंगे वो सबके लिए लागू होगी। तो कुशाणास किस तरीके से किया करते थे, अब ये देखिएगा, ये रास्ता है पूरा, ये जो रास्ता था ये कुशाणों के कंट्रोल में था, यानी कि ये जो जगह थी। अब आप यहां देखिए, यहां तक्षशिला है, तो तक्षशिला हो गया। आप सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बारे में बात करें, कुशाणा जो है 2000 साल पहले राज किया कर रहे थे, तो इनके पास एक तो तक्षशिला इनके किंगडम में था, यहाँ पर पेशावर भी है और यहाँ मथुरा भी है, तो ये पूरा इलाका इनके इस तरीके से पास में था।
तो इसी रास्ते से होके गुजरता था एक सिल्क रूट, जिसे हम कहेंगे सेंट्रल एशिया से आता था ये यू, और यहाँ के समुद्री पत्तनों पे यानी कि इन बंदरगाहों पे आता था, यहां से शिप लदते थे और वहां से वो आगे जाते थे आगे। तो यहां से यहां तक का जो इलाका है इसमें होता ये था, देखें यहां से यहां तक जो इलाका है इसमें कुषाण जो है, या बाकी की जगह भी यही ट्रू होगा, कुषाण क्या करते थे, इनसे टैक्स लेते थे, कर लेते थे कि देखिए ठीक है साहब, आप इतना महंगा सामान ला रहे हो, हमको इस पे टैक्स दो, हमको इस पे कुछ पैसा दो, और हम आपको इंश्योर करेंगे कि जब आप यहां से यहां तक पहुंचेंगे और आपके ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं होगा, आपको कोई लूटेगा नहीं, बस आप हमको थोड़ा पैसा देंगे। तो ये कर, ये रूट इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि यहां पर ढेर सारा कर मिलता था, राइट, याद रहेगा कुशाणास आपको दिमाग में रखना है इस जगह पे, और पेशावर, मथुरा, तक्षशिला। अब सवाल ये उठता है कि बुद्धिज्म, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बुद्धिज्म को हम अगली बार लेते हैं, वरना 40 मिनट तक का ये डिस्कशन हो जाएगा, तो हम इसको अगली बार डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म को, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।